लगातार ताली बजाते रहे। मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा, ये नक्शा भी लेते आया हूं, तैयारी पूरी है। मैं मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को। चुनावी साल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विंध्य अंचल को एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले की तहसील मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी है। मऊगंज अब मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। सीएम ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पर झंडा फहराया जाएगा। ये नई गली 382 गांव नई गली तहसील में, 341 मऊगंज में, 343 हनुमना के, और बाद में देवतालाब तहसील अलग इसमें से बनेगी। तो ये चार तहसीलें मिला के मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेके आया हूँ, तैयारी पूरी है। जैसे परीक्षा के पहले तैयारी करते, पूरी तैयारी करके आया हूँ। और आज 24 मार्च से मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ। 15 अगस्त को इस जिला मुख्यालय पे झंडा फहराया जाएगा मऊगंज वालों। दरअसल मऊगंज को 20 सालों से जिला बनाने की मांग उठ रही थी। अब सीएम ने लंबे समय से उठ रही लोगों की मांग को मान लिया है। मऊगंज यूपी से सटा हुआ जिला बनेगा। इसमें हनुमना, मऊगंज और नईगढ़ी तहसील शामिल होंगी, जिसमें दो विधानसभा क्षेत्र मऊगंज और देवतालाब विधानसभा शामिल रहेगी। अब तक ये दोनों विधानसभा और तीनों तहसीलें रीवा जिले में आती थी। सीएम के इस ऐलान से मऊगंज की जनता में खुशी की लहर है। लगातार ताली बजाते रहे, मऊगंज नया जिला बनाया जाएगा। ये नक्शा भी लेते आया हूँ, तैयारी पूरी है। मैं मऊगंज को जिला बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ 15 अगस्त को। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी को नया जिला बनाया था। अब मऊगंज को भी जिला बना दिया है। बहरहाल चुनावी साल में मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा दांव खेला है। अब विंध्य अंचल में 8 जिले हो जाएंगे। Thank you.